हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आम के बीच से पौधा लगाना चाहते हैं और पौधा आपका ग्रो नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में इंड तक बने रहिएगा। हम बिल्कुल सिंपल तरीका से दो तीन स्टेप बताएंगे जिससे आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है आम का पौधा जितना चाहे उतना आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा आम का बीज है। तो सबसे पहला तरीका तो आपको ये है, देखिए बहुत सारे वीडियो में हम देखते हैं इसको छील के ऐसे करके बहुत सारा तरीका से बताते हैं कैसे करिए वैसे करिए। जब यह सिंपल तरीका से ग्रो हो सकता है तो क्यों इतना करना है दोस्तों, इसलिए बहुत सिंपल तरीका हम बताएंगे जिससे। और अभी साथ में हम बहुत सारा पौधा भी दिखाएंगे आपको जो कि ग्रो हो गया है यानी। तो जैसा कि देख रही है बीज, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आम का बीज जितना भी आप खाते हैं वो सब बीज इकट्ठा कर लेना है। ये सीड जितना भी आप लोग देख रहे हैं गुठली, ये सब इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको देखिए, पहला तरीका तो इसका ये है, चाहे आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं, मान लीजिए ज़मीन पे, गमला में, प्लास्टिक बैग में, इसको ये बीज लेना है दोस्तों, बीज लेना है चाहे कोई सा भी बीज, इस तरह से गमला में मिट्टी भर के, प्लास्टिक बैग में मिट्टी भर के, इसको 1 से 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरह से दबा देना है। यह बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर इसको खा करके कहीं पे भी ऐसे फेंक भी देते हैं तो कुछ दिन बाद इसमें से पौधा निकल के आ जाएगा। ये हो गया। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, इस सभी बीज को जितना भी इकट्ठा हुआ है सभी बीज को क्या करना है, इस तरह से कहीं पे इकट्ठा कर देना है नीचे ज़मीन पे। ये मेरा छत पे अभी दिखा रहे दोस्तों, तो आपको ज़मीन पर इकट्ठा कर देना है जहाँ मिट्टी मतलब थोड़ा हो नीचे, या फिर कहीं कोई बड़ा सा प्लास्टिक बैग हो या बाल्टी हो, कहीं पर भी इस तरह से फेंक दीजिएगा, या थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप मिट्टी दे दीजिए थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी दीजिएगा, इसमें बस ध्यान रखना कि यह सूखना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव सप्ताह 10 दिन 4 दिन 5 दिन पे आप दीजिएगा, इसमें से बहुत सारा पौधा जो है ऑटोमेटिक ऐसे ही जर्मिनेशन हो जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही जर्मिनेशन हो जाएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर देख रहे जितना भी पौधा है, देखिए ये बीज हम खा करके जितना भी यहाँ पर फेंके थे ये सब जो है देखिए इस तरह से ग्रो हो गया है। ये देखिए पूरा पौधा जो है बीज से हुआ है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सब जर्मिनेशन हो गया है। देखिए जितना भी पौधा था ये सब इकट्ठा कर दिए यहाँ पे आसपास में, और ये देखिए ये सब, तो ये नॉर्मल ऐसे ही ग्रो हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। बीज से अगर पौधा तैयार करना चाहते हैं आम का, तो आप जैसे रख दीजिएगा कहीं पर भी, बरसात का मौसम अभी स्टार्ट हो गया है तो जो है वह ग्रो हो जाएगा ऐसे ही, या नहीं अगर बारिश हो रहा है तो पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे वह जो है हो जाएगा। तो अब यह पौधा सब जितना भी देख रहे हैं तो वह जो है हम अब क्या करेंगे, इतना हो गया बीज से पौधा इस तरह से इकट्ठा कर दिए, जर्मिनेशन हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, सभी पौधा को उखाड़ लेना है, जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा हो इसको उखाड़ के, और इस तरह से जैसे देखिए पूरा प्लास्टिक बैग में लगा दिए है, इस तरह से पूरा लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ लगाए हैं तो इस तरह से आपको पूरा प्लास्टिक बैग में लगा के रख लेना है। इसके मिनिमम 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह के बाद आप चाहे इसको जब ग्राफ्टिंग करें यह सक्सेस 100% होगा। इसके अलावा अगर आप लोग कॉन्टेक्ट ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं या फिर भी ग्राफ्टिंग, इसको 1 साल तक भी पौधा को इस तरह से रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, उसके बाद आप कलम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को बिल्कुल आसानी से यानी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि बीज से पौधा कैसे तैयार करना है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है आप लोग को, नहीं हो पा रहा तो कमेंट कीजिए, इससे और सिंपल तरीका से हम कोशिश करेंगे बताने का। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा पौधा सब कुछ दिन बाद लगाएंगे, फिर ग्राफ्टिंग करेंगे आम के पौधा सब पे, तो वह वीडियो सब भी आप लोग देख सकते हैं।